पांडे भी बनवाए हैं? नहीं, पांडे भी कौन बनवाए? अब्दुल चाचा आप ये बताइए, यहाँ चूड़ियाँ कब से बेच रहे हैं अयोध्या में? अरे 50 साल हो गए। अच्छा, परिवार में सब यही करते हैं? रोजी रोटी अच्छी निकल जाती है? अच्छा ये बताइए, अभी चुनावी माहौल है और आपकी दुकान के ऊपर हमने देखा कि सपा का झंडा है, तो क्या आप सपा के साथ हैं? झंडा किसी का हो उससे क्या मतलब? झंडा किसी का भी हो, दिल के आईने में है तस्वीर है यार, जरा गर्दन झुकाई तो देख ले। तो चले बताइए, दिल के आईने में क्या है? नहीं, हमारे दिल में जो है वो हम करेंगे जी, बताएंगे नहीं। ये बताइए, इस चुनाव में आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, सबसे अहम मुद्दा क्या है आपके लिए, क्या चाहते हैं आप अपने प्रत्याशी से? अरे सबसे अहम मुद्दा तो जनता के लिए रोजी रोटी है जी। जब रोजी रोटी नहीं तो कोई मुद्दा नहीं। कोई सरकार जो है देखने नहीं आती कि क्या खा रहे हो क्या पी रहे हो जी। जी इस वक्त तो सब चले आते हैं देखने के वास्ते कि चचा मेरा ध्यान रखना, हम फला पार्टी से हैं, लेकिन कोई बाद में आता नहीं, भूल जाते हैं। पर चचा ये अयोध्या का शहर है जहाँ मंदिर मस्जिद की काफी अरसों से राजनीति चल रही है, तो ये मंदिर मस्जिद की राजनीति को लेकर आप क्या बोलेंगे? मस्जिद अपनी जगह पर थी, मंदिर अपनी जगह पर था, तो लोगों ने जो है अपना बात ऊंची करने के लिए ये काम कर दिया जी, कि मैंने जो है ये कर दिया जी। पर लोगों को इससे क्या कोई लगाव है? आपको क्या ज्यादा जरूरी है, मंदिर मस्जिद की रोटी रोजी? मुझको तो रोजी रोटी चाहिए, हमको नमाज पढ़ना है। हाँ, हमको नमाज पढ़ना है। हाँ, हम कहीं भी पढ़ सकते हैं, दुकान में पढ़ लेंगे, घर में पढ़ लेंगे। अभी मैंने आपसे बताया कि दिल के आईने में है तस्वीरें यार, और जरा गर्दन झुकाई तो देख ली, अल्लाह को देख लिया, भगवान को देख लिया, दिल में होना चाहिए। बढ़िया बोले आप। आप क्या कहेंगे कि पुरानी बातें छोड़े? नहीं, छोड़ना नहीं है, फिर वो अदालत में है मामला, वहाँ चलने दीजिए, वहाँ चल रहा है, चलने दो, जिसकी लाठी उसी का भैंस, अदालत भी वही है, जो अदालत कहेगी उसको मानेंगे, वो हक कर दे तब भी हमको मानना पड़ेगा, ना हक कर दे तभी हमको मानना पड़ेगा। कि रोटी रोजी तो है ही है जी, लेकिन दीन धर्म भी तो कोई चीज है। आप ये बताइए कि अब तो एक जमाना होता था यहाँ तनाव था, अब तो ऐसा कुछ नहीं है ना? कुछ नहीं, आपस में एक एक दुकान पे साथ में बीजेपी का झंडा है, यहाँ सपा का, लेकिन आपस में कोई दोस्ती है? दोस्ती है, प्यार मोहब्बत है? अच्छा, अड़ोस पड़ोस अगल बगल मोहल्ले में सब है, उस किस्म का कोई किस्म का बात नहीं है। सपा के जो प्रत्याशी हैं आप उनसे खुश हैं? यहाँ पर आप जो नुमाइंदे हैं यहाँ पे उनके एमएलए, अब क्या बताएं, बताइए ना खुल के। तमाम गुंडई हो रही है, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, नहीं खुश तो किससे खुश है, किस पार्टी से खुश है? कोई ऐसी पार्टी है जिससे खुश है? कौन? मैंने मायावती के जमाने में देखा था, उनके राज में ये सब नहीं था, ना गुंडई थी, ना चोरी थी, ना डकैती थी, ना कत्ल होता था। पेपर उठा के देखो, रोज रोज कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं मर रहे हैं, किसी का बैग छीन लिया तो कहीं कुछ हो रहा है। इस राज में हमने ये देखा है, तो आप राज में ये नहीं था। तो आप कहते हैं बहन जी के राज में कानून की व्यवस्था बेहतर थी? हाँ।